जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्रेड की बची हुई किनारियों से बनने वाली बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। जब भी हम घर पर सैंडविच वगैरह बनाते हैं तो इन किनारियों को फेंक देते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करके आप बहुत ही बढ़िया नाश्ता बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ब्रेड फिंगर्स बनाने के लिए हमने यहाँ पर ब्रेड की किनारियाँ ली है और इसी के साथ हमने थोड़ी सी किनारियाँ मिक्सी के जार में ऐड कर दी। इन किनारियों को हमें दरदरा पीस लेना है और इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। और अब हमें इसके लिए बेसन का एक घोल बनाकर तैयार कर लेना है। तो हमने एक कप बेसन लिया है, इसमें हम हाफ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दें। और इसी के साथ हमने इसमें हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया। 1/4 टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे जीरा पाउडर और इसी के साथ हमें 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून चाट मसाला और हाफ टी स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करके पहले इन सारी चीज़ों को बेसन के साथ मिला लेंगे। तो हमने सारे इंग्रेडिएंट्स पहले बेसन के साथ अच्छे से मिला लिए और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका घोल बना लेंगे। तो यहाँ पर हमें घोल ऐसा बनाना है कि जिसमें बिल्कुल भी लम्स ना हो, इसलिए हमें इसमें पानी थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है। तो यहाँ पर आप घोल की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इस तरह की थिक कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। और इसे बनाने के लिए हमने एक कप पानी लिया था, लेकिन इसमें से 4 से 5 टेबलस्पून जितना पानी बच गया है। अब हमने ब्रेड फिंगर्स को फ्राई करने के लिए तेल अच्छे से गरम कर लिया है और इस पर कोट करने के लिए हमारा बेसन का घोल भी रेडी है और ब्रेड क्रम्स भी हमने बना लिए हैं। तो ब्रेड की किनारी को हम पहले बेसन के घोल में डीप करेंगे और ज़्यादा के घोल को उसी में झार कर हमें इस पर कोट कर देने हैं ब्रेड क्रम्स। और अच्छे से इस पर ब्रेड क्रम्स कोट करने के बाद हम इसे तेल में डाल देंगे और इसे फ्राई करते वक्त हम गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। और इसी तरह हमें बाकी की ब्रेड की किनारियों को पहले बेसन के घोल में डीप कर देना है और फिर हम इस पर ब्रेड क्रम्स कोट कर इसे तेल में ऐड कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो तेल में डालने के कुछ ही देर बाद आप देखेंगे कि इसका कलर थोड़ा चेंज होने लगा है और ये एक तरफ से फ्राई होने लगी है। तो हमें इस तरह से इसकी साइड चेंज कर देनी है और दूसरी तरफ से भी इसे गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेना है। तो जब ये फ्राई हो जाएंगे हम इनको तेल में से निकाल लेंगे और इसी तरह बाकी के ब्रेड फिंगर्स को हमें फ्राई कर लेना है। बहुत ही बढ़िया और क्रिस्पी हमारे ब्रेड फिंगर्स बनकर तैयार हुए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।